उस दिन से शायद सबकी जिंदगी बदलने वाले थी जब वासु के दोस्त मिलकर उसका 18वां जन्मदिन मना रहे थे। हाँ भाई 18 साल हो गए, तू क्या करेगा बता? भाई इलेक्शन नारे में तो वोट दूंगा। अरे कुछ नहीं होता इन चीजों में, सब पॉलिटिक्स है भाई। अरे नहीं यार, हम लोगों को देना चाहिए वोट। अरे कुछ नहीं यार इन चीजों में, तू हमारा दोस्त है, जब उन्हें आज तक वोट नहीं तू दे वो वोट देगा। नहीं यार मैं तो दूंगा वोट। अरे तू मान नहीं रहा क्या? अभी मैं गलत क्या कह रहा हूँ? चल देने फिर वोट। यार तूने सारा मजाक किरकिरा कर दिया, जा दे ले वोट। लेकिन परेशानियां तो अब शुरू होने जा रही थी। अरे यार तेरी तो हालत बहुत खराब हो गई, चल यार जल्दी आ। अरे यार कोई है क्या? हाँ यार बस हिम्मत रख, थोड़ी सी पहुंचने वाले। आ जा, यहाँ बैठ जा। है कोई? अरे हाँ भैया, हेलो। हाँ क्या हो गया? अरे भाई डॉक्टर कहाँ है? तबीयत खराब हो रही भाई। डॉक्टर आज तबीयत परसों करना ठीक है भाई? कल परसों कैसे रुक जाए, हालत तो देख लो उसकी। अरे तो मैं क्या करूँ, इस शहर में कम हॉस्पिटल है, कहीं और दिखा लो आप। प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी फीस है, इतनी भीड़ है, कल तक नंबर नहीं आने वाला वहाँ पे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या तरीका आपका? ये काम मेरा है क्या? जाए कहीं और बात कर। कहने को सरकारी हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज एक भी नहीं है, सिस्टम क्या है? हट बे, ये सवाल उस सरकार से पूछो जिसे तुम वोट देते हो, समझ गए? अरे भाई क्या बात हो गई, अचानक तुमने फोन किया मुझे? यार मैं 2 महीने पहले गवर्नमेंट का फॉर्म भरा था, रिजल्ट भी आया, क्लियर भी हो गया, लेकिन नाम नहीं आया। अरे डच चेक कर यार, ले तू ही देख ले फिर। यार ऐसे कैसे हो सकता है? और दो सरकार का वोट जो केवल रैली निकालती है और कुछ नहीं। अरे तू टेंशन बदले, चल हम भैया के पास चलते हैं। सीधी सी बात है, सब आरक्षण का खेल है, जो मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो सीट ले जाता है। लेकिन भैया मैंने दिन रात मेहनत करी थी फिर भी। अरे भैया सब सरकार का खेल है, जिसको तुम वोट देते हो। तो भैया आप क्यों खड़े होते इलेक्शन में? आप तो आज ही हुआ हो यार, मैं खड़ा भी हो गया तो क्या फायदा? मेरे पास ना तो कोई पार्टी का बैकग्राउंड है, और वोट उसी को जाएगा जो लोगों के दिलों पर राज करता है। इलेक्शन के ढिंढोरे के साथ साथ काफी परेशानियां, काफी समस्याएं और काफी घटनाएं भी सही थी, और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। भैया परेशान हो गया हूँ मैं। क्या हो गया? तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, कुछ लड़के परेशान करते, मुझे छेड़ते और पीटते भी है वे। अगर जो किसी से कंप्लेंट करता हूँ कोई नहीं सुनता मेरी, सब कहते हैं मंत्री का लड़का है। भैया मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज्यादा। तुम लोग आजकल के युवा हो, जब चाहो ना सिस्टम को पलट सकते हो। ये जो तुम लोगों के अंदर का गुस्सा है ना, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। मेरी मानो इस देश को बहुत आगे तक ले जाओगे। Yeah!
भैया हम वोट देने जा रहे हैं और एक नया कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन किसको? हमें लगता है अगर इलेक्शन में कोई यूथ खड़ा होगा तो देश का कुछ भला होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आज के युवा काफी दमदार है जो बहुत कुछ बदल सकता है, तो इसे आगे शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुधरने वाला है।